जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के है और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम कभी, दुख का मौसम कभी, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। क्या बात है, आज सड़कें कुछ ज़्यादा ही सुनसान नज़र आ रही हैं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? सलमा, तुमने ये खबर पढ़ी? अभी काम से फुर्सत ही कहाँ मिली है, मगर ये बता सकती हूँ कि जरूर कोई बुरी खबर होगी। अरे तुम कैसे कह सकती हो, तुम्हारे साथ 4 साल से रह रही हूँ। तो 4 साल रहने पर तुम्हें इल्मे गैब होने लगा है? जी नहीं, आपको समझने लगी हूँ। मुझे मालूम है कि आप पहले बुरी खबरें पढ़ते हैं, और खास तौर पर ऐसी खबरें जो मन में उदासी और बेदिली पैदा कर दे। सुनाइए क्या खबर है। ये लो, आप तो नाराज हो गए, अब गुस्सा छोड़ो और खबर सुनाओ। मैंने कहा नहीं। तो ठीक है, मैं भी हड़ताल का ऐलान कर देती हूँ। सोच लीजिए, नाश्ते के बगैर और लंच बॉक्स के बगैर ऑफिस जाना पड़ेगा। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो ठीक है, वो भी सिखा दूंगी। खबर तो सुनाइए, क्या खबर है। परसों रात 2 बदमाशों ने एक स्कूटर वाले को गिराकर उसकी चेन, मोबाइल और पर्स लेकर छू हो गए। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ उस बेचारे के साथ। सबसे बुरा तो तब हुआ कि इक्का दुक्का लोग वहां से जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी, और बेचारा घायल हालत में किसी तरह अस्पताल पहुंचा। लगता है दुनिया से इंसानियत ही खत्म हो गई है। ऐसी बात नहीं है फिरोज मियां। अरे मिर्जा साहब, आप? आदाब। आदाब। तस्लीम। बैठिए मिर्जा साहब। शुक्रिया। आओ आओ। शुक्रिया। फिरोज मियां, आप इंसानियत के खिलाफ शिकवा कर रहे थे? जी हाँ, किसी जख्मी आदमी की मदद ना करना, ये कोई इंसानियत है? ये सच है, ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ है। दरअसल उनकी इंसानियत मरी नहीं थी, वो मजबूर थे, खौफ से मजबूर थे। खौफ में आदमी यकीन से दूर हो जाता है और वहमो गुमान के करीब आ जाता है। तो डरने वाली कौन सी चीज थी? आदमी। आदमी? जिस दिन आदमी आदमी से डरने लगे तो उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, और फिर वही खौफ उसका डर बन जाता है। फिरोज, ये कोई गुंडा लगता है, खबरदार स्कूटर मत रोकना। रुकिए 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 रुकिए।
आगे? हाँ ये पकड़ो। खैरियत तो है? बैठो आप। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ सब ठीक है, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ सब ठीक है। क्या हुआ बताओ तो सही। मुझे गुंडे ने रोकना चाहा, मैं बच के निकल आया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज वो मुझे पकड़ लेते ना तो अपने साथियों के साथ ना जाने मेरा क्या असर करते। हाँ मैं तो मर ही जाता। सुनिए सुनिए, आपकी तबीयत तो ठीक है? या अल्लाह इन्हें फिर मिर्गी का दौरा पड़ गया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं भी फोन करके आती हूँ। अरे सलमा क्या हुआ? इनकी तबीयत खराब हो रही है बहुत। मिस्टर फिरोज क्या बात, क्या हुआ है? परेशान नहीं होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। सांस लीजिएगा। जी जी, थोड़ा और गहरी सांस, मुंह खोलिए, बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, हिम्मत रखिए, परेशान मत होइए। लंबा सांस लीजिए। मुंह खोलिए, जबान बाहर दिखाइए। देखिए मिस्टर फिरोज, मैंने आपसे पहले भी बताया था, ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा डर दोनों आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपको इससे बचना चाहिए वरना दिल का दौरा पड़ने का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अरे डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीमारी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए दोनों सूरत हाल से बचने की कोशिश करता रहता हूँ। गुस्से पर तो काबू किया जा सकता है, मगर डर पर किस तरह काबू पाया जाए, ये तो हवा को बांध के रखने वाली बात हुई। देखिए जनाब, ये सच है, डर इंसान की जिंदगी में शामिल है, लेकिन बाज डर ख्याली होते हैं, सिर्फ ख्याली। जैसे कभी कभी आदमी रस्सी को सांप समझकर डर जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे स्कूटर रोककर ये तसल्ली कर लेनी चाहिए थी कि वाकई वो गुंडा है कि नहीं? बस आपने अपने गुमान के इसी एक पहलू पर नजर रखी और उसी का नतीजा है कि आपका डर इस इंतहा तक पहुंच गया। फिरोज ये कोई गुंडा लगता है, खबरदार इसको मत रोकना। रुकिए 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 रुकिए। आपने मुझे बुलाया सर? जी आइए।
ये फाइल वर्मा जी को दे दीजिए। जी सर। आदाब। तो तुम आप मुझे जानते? यहाँ क्या करने आए हो? जी एप्लीकेशन ये लीजिए सर। आर यू ओके सर? तुम वही हो ना जो मुझे गांव वाली सड़क पर रोकना चाहते थे? ओ, तो वो आप थे? माफ कीजिएगा, उस दिन रात को अंधेरा बहुत था, मैं आपका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। बताओ क्यों रोकना चाहते थे? बताता हूँ इत्मीनान से, इजाजत हो तो बैठ जाऊं? जी हाँ बैठिए। थैंक यू। अब बताओ तुम्हारा मुझे रोकने का मकसद क्या था? मकसद था तो बड़ा मामूली, लेकिन था बड़ा अहम। मैं उसी अहम मकसद को जानना चाहता हूँ। मेरा नाम केदारनाथ है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मामूली सी डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता हूँ। वो भी रात के वक्त? रात के वक्त? What do you mean? I mean रात को सड़कों पे पेशेंट ढूंढने को निकलते हो? आपकी बातों में जरूरत से ज्यादा कड़वाहट है, लगता है हमको अपनी बात यहीं खत्म करनी चाहिए। नहीं, मैं रोकने का मकसद जानना चाहता हूँ। ओके सर। मेरे घर के सामने एक बेवा खातून रहती है, उनका बेटा परदेश गया हुआ है तालीम हासिल करने, वो घर पर अकेली रहती है। उस शाम उन्होंने ही मेरा दरवाजा खटखटाया था। अरे मोहतरमा आप? केदार जी मुझे पथरी की बीमारी है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ बताइए ना, कुछ इलाज करिए ना मेरा। ठहरिए मैं आपको एक दवाई देता हूँ, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। ठीक है। ओह एक प्रॉब्लम आ गई। कैसी प्रॉब्लम? वो जो दवाई है वो इस वक्त नहीं है। हे भगवान अब क्या होगा? आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुरंत ही ले आता हूँ। शाम के समय कौन सा मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, फिर आज तो छुट्टी भी है, मैं गई थी सब दुकानें बंद। अरे एक नया मेडिकल स्टोर खुला है सड़क के उस पार, 2400 घंटे खुला रहता है, मैं यूं गया और यूं आया, आप तब तक घर में बैठ के आराम कीजिए। आप जाइए मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आइएगा, भगवान इनका भला करे। बस फिर मैंने सोचा कि कोई कन्वेंस मिल जाए तो मैं जल्द ही मेडिकल स्टोर पहुंच जाऊं, मगर जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा तो आपका स्कूटर दाहिनी ओर से चला आ रहा था। मैंने कई आवाजें दी, आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप जल्दी में निकल गए, आपने सुना नहीं। दरअसल मैं दवाई लेकर जल्दी लौटना चाहता था और यही था मेरा मकसद आपको रोकने का। कहानी बहुत अच्छी गढ़ लेते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम उस रात मुझे रोक कर लूटना चाहते थे। देखिए आप मुझ पर बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं हकीकत है, तुम्हारे किरदार के दो चेहरे हैं, दिन का अलग और रात का अलग। दिन में तुम्हारी प्रैक्टिस चलती नहीं है और रात को मवालियों की तरह लूटते फिरते हो। मिस्टर आप मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कीचड़ नहीं उछाल रहा, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मेरी बात मानो तो ये सब छोड़ दो। जिस दिन पकड़े गए उस दिन डॉक्टरी के पेशे को भी बदनाम कर दोगे। एक मिनट जनाब, जाने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं। उस रात हालात के तहत आप मुझसे बहुत डर गए थे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारा डर खत्म नहीं हुआ। यानी तुम मुझसे यह कहना चाहते हो कि मैं तुमसे डर रहा हूं? मुझसे नहीं,
अपने अंदर के छिपे हुए खौफ से डरते हो तुम। और सच तो यह है कि डर ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि तुमने खुद डर को पकड़ रखा है। बकवास है ये, बकवास है ये। एक बात और सुनते जाओ कि आपको अपने डर से निजात कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक डर हकीकी होता है और एक ख्याली। हालात बदल जाने पर, खतरा टल जाने पर हकीकी डर तो दूर हो जाता है, मगर ख्याली डर आखिरी सांस तक इंसान पर गालिब रहता है। गुड बाय। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को समझें। कैसी सच्चाई? ऐसा करते हैं कि हम इस वाकये के दोनों किरदारों की जगह बदल देते हैं। मैं समझा नहीं। मान लीजिए रात का वक्त है, केदारनाथ स्कूटर से जा रहा है और आप उसको आवाज देते हैं और आपको राजन समझता है और आपको राजन करके आवाज भी देता है, तो आप उसको क्या समझेंगे? उसे वहम समझूं या बेहुदा वहम जो उसके डर से पैदा हुआ है? ये आपने नुक्ते की बात कही। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि डर हमें वहम और गुमान की ओर ले जाता है, यानी इंसान को हम उसी शक्ल में देखने लगते हैं जैसा कि हमने सोच रखा है। तो फिर अपने वहम को हकीकत समझकर अपने कांधों पर लादे फिरते हो? तो आप ये कहना चाहते हैं मैं अपने वहम को कांधों पर लादे चल रहा हूं? समझ में नहीं आता है कि सवाल का मैं क्या जवाब दूं। अगर मैं हां कहूंगा तब भी आप मेरी बात तस्लीम नहीं करेंगे, और ना कहूंगा तो आप समझेंगे कि मैं आपका दिल रखने के लिए झूठ बोल रहा हूं। खैर जाने दीजिए, मैं आपका जवाब महसूस कर चुका हूं। एक बात बताइए, वहम का कोई इलाज है? बड़ी मशहूर कहावत है, वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। तब तो मैं आपकी नजर में एक लाइलाज मरीज हूं। लगता है आप मेरी बात का बुरा मान गए। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं, आदमी का आदमी से डरना एक मनुष्यत है, हर इंसान को इसकी फिक्र करनी चाहिए और एक दूसरे के बारे में हर वक्त सोचना चाहिए। याद है तुम खुद भी एक रात इसी तरह तेजी से गुजर गए थे। अगर तुम दूसरों को राजन समझ सकते हो तो दूसरे भी तुम्हें राजन समझ सकते हैं।
रुको 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 एक मिनट। क्या प्रॉब्लम है? पेट्रोल खत्म हो गया है, शायद किसी ने चुरा लिया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कहाँ तक जाना है आपको? ये विष्णु गार्डन तक। विष्णु गार्डन, अच्छा तो जहाँ तक आपको जाना है उतना पेट्रोल मैं दे देती हूँ आपको। गुड, आप पेट्रोल निकालेंगी कैसे? जब काम करना है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आता है। लीजिए, मिल गया रास्ता, हम इसमें पेट्रोल डालेंगे। ये तो पानी की बोतल है, इसमें बदबू आ जाएगी। कोई बात नहीं, तेज धूप में बदबू अपने आप उड़ जाएगी। अच्छा ये बताइए, आप जा कहाँ रही हैं? एक्चुअली मैं नर्सिंग होम में एक नर्स हूँ, तो बस अपनी ड्यूटी खत्म करके घर ही वापस जा रही थी। लीजिए, इसे अपने पेट्रोल टैंक में डाल लीजिए। थैंक यू। वैसे आप क्या करते हैं? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक मुलाजिम हूँ। ओह गुड, तो सर क्या आप मेरा एक छोटा सा फेवर कर सकते हैं? फेवर? जी। कैसा फेवर? एक्चुअली सर हमारी कॉलोनी में बहुत गंदा पानी आता है और उसकी शिकायत भी काफ़ी बार की है, लेकिन नतीजा सिफर है। तो अगर आप हमारी ये परेशानी हल कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। बिल्कुल करवा सकता हूँ जी। ओ थैंक यू सो मच सर। आपका कार्ड मिलेगा? मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, तो सर आप म्यूनिसिपल कचहरी में कहाँ मिलेंगे? टैक्स डिपार्टमेंट में। टैक्स डिपार्टमेंट, ओके। सर आपका नाम? मेरा नाम अजरुद्दीन। अजरुद्दीन सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। अजीब बात है, तुमने अपनी पहली मुलाकात में मुझे अपना नाम पूरा नहीं बताया, ऐसा क्यों? मैं तो उस औरत के चंगुल से बचना चाहता था। तुम किस चंगुल की बात कर रहे हो भाई? मैं तो समझ चुका था कि वो एक रंगीन मिजाज औरत है, मेरी मदद करना तो एक बहाना था, वो तो किसी मर्द को फंसाना चाहती थी। समझा, यानी तुम्हारा नाम पता पूछ कर वो तुमसे रस्म राह पढ़ाना चाहती थी। ठीक समझे आप, ऐसी औरतों से तो दूर रहना चाहिए, ऐसी औरतें मर्दों को बर्बाद कर देती हैं। मान गए फिरोज मियां, आपको आप तो बहुत दूर की कौड़ी लगते हैं। क्यों मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हैं मियां? नहीं बल्कि मुझे तो दुख हो रहा। दुख? कैसा दुख? आदमी का आदमी से डरने का दुख। ये डर बड़ा ही मनहूस होता है, हम आदमी को सही ढंग से पहचान ही नहीं पाते। अच्छा तो मैं अभी ज्यादा चाहूं, खुदा हाफिज। आदमी का आदमी से डरने का दुख, ये डर बड़ा ही मनहूस होता है, हम आदमी को सही ढंग से पहचान भी नहीं पाते। तुम्हें इंसान की जात पे भरोसा नहीं है? क्योंकि इंसान दुनिया का खतरनाक जानवर है। ये मत भूलो, तुम इसी तरह डरते रहे तो डरपोक कहलाओगे। नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं मोहतात हूँ। लफ्जों की चादर डालकर तुम दूसरों से तो अपना खौफ छुपा सकते हो, मगर ये चादर तुम्हारे अंदर के डर को नहीं छुपा सकती। हाँ हाँ, मैं अक्सर इंसानों से डर जाता हूँ, बेवजह डर जाता हूँ, ना चाहते हुए भी डर जाता हूँ। ये खौफ मेरा मुकद्दर बन चुका है, इसके सामने मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मगर अपने खौफ पे नजर रखना तुम्हारी दस तरस में है। ठीक कहा तुमने। सच्चाई से मुंह फेर लेने से मसले का हल नहीं निकल सकता, ये डर तुम्हारी दस तरस में है। ठीक कहा तुमने। अब मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, अब मैं समझ चुका हूं, क्योंकि मुझे अपनी ही जात से जंग करना है और इस जंग में खुद को शिकस्त देकर खुद को ही जीत पाऊंगा। Thank you.
फिर भी एक बात हरगिज ना ये भूलना, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, 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 बेशुमार।